माता की जय। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों पूर्व छात्र पर जानलेवा हमले के विरोध में आज थाना वृंदावन का घेराव किया। छात्रों ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें, बीते 24 सितंबर को छठीगढ़ वृंदावन मार्ग स्थित गोपालगढ़ में दबंगों ने GLA विश्वविद्यालय की बस से छात्र को दिन दहाड़े उतार कर जमकर मारपीट की और सरे रहा इस घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। और इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर 4 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले में अभी तक पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकी, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना से जहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं छात्रों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। छात्र डर के कारण स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। इसी आक्रोश के चलते आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दर्जनों छात्रों के साथ वृंदावन कोतवाली का घेराव करने पहुंचे, जहां छात्रों ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। वहीं जल्द गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री शशांक शर्मा ने बताया कि एक प्रतिष्ठित कॉलेज के बस से छात्र को खींचकर मारपीट करना निंदनीय है। पुलिस को आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज आप थाने आए हैं, क्या समस्या है, क्या मांगे आप? सर, जिस तरह हमारे दोस्त विष्णु गौतम को GLA ऐसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की बस में से उतारकर मारा गया, लाठी डंडों से, बेरहमी से गुंडों ने मारा गया, उस वजह से सारे छात्रों में दहशत का माहौल है। कई बच्चों ने कॉलेज आना छोड़ दिया है, अपने लेक्चर नहीं ले रहे हैं, अटेंडेंस कम होती जा रही है, पर उन गुंडों की कोई गिरफ्तारी ना होने की वजह से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से बच्चे डर गए हैं कि अगर इनकी तरफ कार्रवाई नहीं हो रही तो कल को ये घटना हमारे संग भी हो सकती है। अगर विष्णु गौतम के अपराधियों को सजा नहीं मिली तो विद्यार्थी परिषद और हम छात्र रोड पे आ जाएंगे और उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। आज आपने यहाँ थाने का घेराव किया है, क्या मामला? देखिए, 5-4 दिन पूर्व एक GLA विश्वविद्यालय, जो कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, वहाँ पर एक छात्र जो अध्ययन कर रहा था, वो छात्र बस में बैठकर वो घर आ रहा था, तो कुछ दबंगों द्वारा उस छात्र को बस में से उतारकर उस छात्र को डंडे लाठी सरियाओं से उसको पीटा और उस छात्र को अधमरा कर रोड पर पटक दिया। वो छात्र जैसे तैसे वो उसको छात्रों ने उसके साथ के छात्रों ने उसको उठाकर बस में लेकर आए और उस छात्र के साथ मारपीट इन कुछ दबंगों द्वारा की गई। ऐसी स्थिति इस प्रदेश जिले में बन गई कि छात्र असुरक्षित महसूस कर रहा है, छात्र को बस में से निकाल कर पीटा जाता है और उस 4 दिन पूर्व उसकी FIR होने के बावजूद भी कोतवाली प्रशासन द्वारा उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं करता। ऐसे दबंगों को हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ से चेतावनी देते हैं और ऐसे पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि अगर ऐसी स्थिति इस जिले में रहती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज तो घेराव किया है कोतवाली का, आगे विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतर उसका विरोध करेगी अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। 4 दिन में पुलिस प्रशासन को वीडियो तक वायरल हो चुकी है, सोशल मीडिया पर वीडियो चल चुकी है, सोशल मीडिया में वो चिन्हित हो चुके हैं, गाड़ी के नंबर उसमें चिन्हित हो चुके हैं, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आया और उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। ये शर्मनाक स्थिति इस जिले में पुलिस प्रशासन की बनी हुई है। तो हमारा ये आग्रह है, ये चेतावनी है कि अगर उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 24 घंटे के बाद इस जिले में उग्र आंदोलन के लिए बात दूंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।